हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पेंसिल स्केच से बर्ड बनाना सीखेंगे। हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग पेंसिल स्केच से बर्ड बना सकते हैं। बेसिक से हम लोग सीखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, उसके बाद एक ओवल शेप बनाएंगे, फिर टेल के लिए एक लाइनिंग करेंगे दो। फिर आगे हम लोग लेग्स बनाते हैं, इसके ब्रांचेस बनाते हैं, ये आउटलाइन से शेप्स, इसको देखकर हम बेसिक शेप करते हैं। फिर बीक को बनाते हैं, हेड को बनाते हैं बिल्कुल ध्यान से, धीरे धीरे करके। आई को बनाते हैं, इसके विंग्स को बनाते हैं। उसके बाद ये लेग पहला, फिर हम लोग दूसरे लेग को बनाते हैं, फिर ब्रांच ब्रांच को बनाते हैं जिसमें बर्ड बैठी हुई है। लिप्स कुछ बनाते हैं ब्रांच में, फिर हम लोग आगे टेल को अब बनाएंगे, बर्ड की, बर्ड का टेल को बनाएंगे स्ट्रेट लाइन। ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम लोग इसमें शेडिंग करेंगे पेंसिल से, लाइट पेंसिल से लाइट शेडिंग करेंगे। पहले बीक के लिए, आई को डार्क करेंगे, बीच में व्हाइट छोड़ देंगे। अब शेडिंग करते हैं इसके हेड में, ध्यान से धीरे धीरे शेडिंग करेंगे लाइट पेंसिल से। उसके बाद इसके बाद हम लोग डार्क पेंसिल का यूज करेंगे, ये मैं 4B पेंसिल यूज कर रहा हूँ। आप पेपर को भी रोटेट कर सकते हैं। ये कर्व है तो कर्व शेडिंग करेंगे, स्केचिंग।
डिटेल में स्केचिंग करते हैं। अब विंग्स को करेंगे। ये स्ट्रोक्स का प्रैक्टिस करते करते आपका स्ट्रोक्स स्ट्रांग हो जाएगा, उसके कॉन्फिडेंस नजर आने लगेगा। ये लाइट पेंसिल हमने चला लिया, बिल्कुल हाईलाइट छोड़ना है, फिर डार्क करना है धीरे धीरे करके। थोड़ा सा मैं डार्क कर रहा हूँ लाइट के बाद। अब पेंसिल चेंज किया मैंने, डार्क पेंसिल लिया 8B। लाइट के बाद थोड़ा थोड़ा डार्क करेंगे। लाइट टू डार्क, अब लेग्स को भी थोड़ा थोड़ा डार्क करेंगे, लिप्स को करेंगे अब। ब्रांच को शेडिंग करते हैं। ध्यान से लाइट के बाद डार्क धीरे धीरे। हमारा बर्ड धीरे धीरे स्केचिंग करे इसमें। हमारा बर्ड अब लगभग बनकर तैयार होने वाला है।
तो इसी आप लोग भी बेसिक शेप से बना के ट्राई करेंगे, कैसे मैंने लाइट डार्क करके यूज किया, कैसे सिंपल बेसिक शेप से इसको मैंने ड्रॉ किया। अगर